हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड का जो HSC बोर्ड का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसका जो आर्ट्स स्ट्रीम है HSC IT आर्ट्स स्ट्रीम फॉर क्लास 12th, ओके, फॉर न्यू सिलेबस द इवैल्यूएशन पैटर्न विल डिस्कस इन दिस वीडियो, ठीक है। तो जो बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि सर आर्ट्स का और साइंस का आप डलवा दीजिए पेपर पैटर्न एंड इवैल्यूएशन स्कीम, चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम एंड ऑल, तो वही मैं इसमें ये वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए आप लोग, एंड आप लोग मैं बीच में थोड़ा ये रखूँगा तो आप लोग पॉज रखूँगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेना अगर आपको लगे तो, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है, ठीक है, तो सेम डायलॉग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। चलो अभी हम लोग करते हैं स्टार्ट वीडियो को। दैट इज टर्मिनल एग्ज़ाम्स, देखो आपके 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना, और प्रिलिमिनरी आपका जो प्रीलियम्स है वो 80 मार्क्स के होंगे। सो एज वेल फॉर योर यू कैन से बोर्ड एग्ज़ाम ऑल्सो द सेम पैटर्न विल बी फॉलोड। सो बाकी का जो 20 मार्क का है वो आप बोल सकते हो 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क वो आपका प्रैक्टिकल होगा। देखो यहाँ पे प्रिलिमिनरी प्रैक्टिकल जो कि कंप्यूटर लैब में कैरी आउट होगा, ठीक है। देखो HSC बोर्ड थियरी एग्ज़ाम भी 80 है आपका, मतलब जैसा कॉमर्स में मैंने अपलोड किया था वैसे आप लोगों ने बोला तो मैं कर दिया ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है सब सेम, ओके, HSC बोर्ड प्रैक्टिकल। देन विल मूव फर्दर। सो हाँ, अभी यहाँ पे देखो यू कैन से द पेपर पैटर्न फॉर्मेट। सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, चलो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये है आपका सेमेस्टर का, ठीक है ना। तो सेमेस्टर में क्या है, वही फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, 5-5 मार्क्स का, 5 क्वेश्चंस रहेगा, ईच वन मार्क, 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स, अगेन 5-5, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल आंसर्स, 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच विल कैरी वन मार्क ईच एंड टोटल अप टू 10 मार्क्स। देन मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट आंसर वाला 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 × 2 दो मार्क का एक क्वेश्चन तो 10। फिर बाद में मल्टीपल चॉइस 3 करेक्ट आंसर में 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 × 3 = 2 और एक 3 मार्क का एक क्वेश्चन तो दैट इज 3 × 6। देन मैच द फॉलोइंग, 1-1 मार्क ईच। यहाँ पे देखो आपके इसमें तो जैसा कि प्रोग्रामिंग में ज़्यादा करके यही है चैप्टर, फिर एक लेबर ऑफिस का भी एक है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स के हिसाब से देखा जाए तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के हिसाब से। सो यहाँ पे देखो राइट ए प्रोग्राम यूजिंग, एक्चुअली लिबर ऑफिस का यू कैन से कॉमर्स को था, ठीक है ना, तो उस हिसाब से। सो अभी देखो अभी कैसा है, राइट ए प्रोग्राम दैट इज़ HTML CSS एंड ऑल, दैट इज़ अगेन दे आर फॉर 2 क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स, ओके। देन राइट ए प्रोग्राम यूजिंग HTML फिर से वही 2-5 मार्क, 2 क्वेश्चन 5 मार्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है कि टर्म पेपर जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 का टर्म पेपर के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं इसमें, दैट इज़ टोटल वाइज। हाँ ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसा रखा हुआ, स्नैपशॉट निकाल सकते हो आप लोग, 1, 2, 3, फाइन। नाउ एडवांस वेब डिज़ाइनिंग, ये तो पूरा ग्लोबली आर्ट्स साइंस कॉमर्स को है, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस ये भी आपको ग्लोबली है, और डिजिटल मार्केटिंग जो चैप्टर है स्टूडेंट्स ये भी कॉमर्स और आर्ट्स दोनों को सेम है, साइंस में नहीं है। तो इसलिए ये चैप्टर और ये चैप्टर और ये डिजिटल मार्केटिंग ये आप लोग ज़रा अच्छे से कर लीजिए, बिकॉज मैंने भी चैप्टर में अपलोड किया हुआ है, फुल सीरीज़ है मेरे चैप्टर इसमें चैनल पे विथ प्रैक्टिकल प्रोग्राम सॉल्यूशंस एंड ऑल, देन SOPs वगैरह सबके सॉल्यूशंस है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं चाहे तो एंड स्क्रीन में दे दूंगा लिंक एंड डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दूंगा ऊपर वीडियो के। तो एडवांस वेब डिज़ाइनिंग देखो यहाँ पे 20 मार्क्स विथ विदाउट ऑप्शन, यू कैन से इट इज़ 20 मार्क्स विथ ऑप्शन, इट इज़ 30 मार्क्स, ओके। देन ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, इतना अच्छा चैप्टर है, देखा आपने गवर्नेंस का टाइप्स, ई कॉमर्स का टाइप्स, ई कॉमर्स क्या होता है वगैरह देखा था अपन ने, दैट इज़ 10 मार्क्स, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा विथ ऑप्शन के लिए। बेसिक्स ऑफ ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग, जैसा Audacity हो गया, ऐसा बहुत सारे वीडियो एडिटिंग ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर करना है आपको, सिंपल सा चैप्टर है, वो भी मैं इसमें कवरअप कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि IT का भी मैं डालने वाला हूँ इसमें। सो चैनल में बने रहिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग को, ठीक है, हेल्पफुल हो सकता है, आप लाइक करिए वीडियो को,
ठीक है, अच्छा लगे तो। सो मेन तो वही है, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये सब चैप्टर्स के आपको मिलने वाले वीडियोस, ऑलमोस्ट तो 3 चैप्टर्स के तो हो गए। सिर्फ आर्ट्स में कैसा है, ये 3 चैप्टर अलग है, दैट इज़ बेसिक्स ऑफ ऑडियो एंड वीडियो एडिटिंग, रिसेंट टेक्नोलॉजीज इन आईटी और ओपन स्ट्रीट मैप। ये मैं लेके आऊँगा आस्ते आस्ते, मैं अभी सोच रहा हूँ, फिलहाल प्लानिंग कर रहा हूँ ओपन स्ट्रीट मैप स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है, और इसमें मैं क्यों लेने वाला हूँ, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड है थोड़ा सा, मैं बताऊँगा आपको उसमें वो चैप्टर में, आप बने रहिए चैनल में। तो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ है ये 14 क्वेश्चंस, अगेन 14 मार्क्स, नो ऑप्शन का कोई डिफरेंस नहीं। फिर रीसेंट टेक्नोलॉजी आई टी 10 मार्क्स, ओपन स्ट्रीट मैप 10, 12 मार्क्स, डिजिटल मार्केटिंग 16। देखो डिजिटल मार्केटिंग कितना अच्छा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, पूरा अच्छे से कर लो। दो ही वीडियो में कुछ मैंने ये करा के रखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा वीडियो फर्स्ट वीडियो का समरी है, तो अच्छे से करो आप लोग, ठीक है, हो जाएगा जल्दी से। तो देखो कितना है टोटल, 80 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, विथ ऑप्शन इट इज़ 96। सोचो 96 में से आपको 50 भी स्कोर कर लिया, और बाकी 20 में से 15 भी कर लिया, 55, तो भी आपका थियरी में 55, और इसमें तो आराम से भी 70% हो जाता है इसी में, ठीक है। अभी प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव इट इज आर्ट्स का है ये, देखो नॉलेज वाइज आपको 18 मार्क्स का है, कॉम्प्रिहेंशन वाइज, थियरिटिकल वाइज 18 है, एप्लीकेशन वाइज यू कैन से 19, स्किल वाइज 25, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर, इधर आपको शायद नहीं समझे, ठीक है। तो यहाँ पे वेटेज दिया है, देखो ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे पूरे 60 मार्क्स के, इसलिए बोला जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो अच्छे से करो, प्लस आप उसी पे मत डिपेंड रहो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सर वही आएंगे क्या, देखो आ सकते वो आएंगे, बट कैसा है ना 70%, 65%, 60% तक हो सकता है, पर बाकी जो अंदर जो टेक्स्ट बुक के वो अच्छे से करो। तो कितना 4-5, 5-6 सब पेजेस का तो चैप्टर्स है, अच्छे से कर लो, आईटी एकदम स्कोरिंग हो जाएगा, परसेंटेज भी उड़ जाएगा आपका। फिर शॉर्ट आंसर्स 10 मार्क्स, ओके, जो उसमें लिखा रहता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ वगैरह वैसा, देखो ये लॉन्ग आंसर एक्सप्लेन ब्रीफ वगैरह उस हिसाब से, ठीक है। फिर बाद में उसमें प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं उसमें, जैसा चैप्टर वन का हो गया तो। फिर बाद में यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस जो होता है कितने, 1 मार्क के 34 क्वेश्चंस, 34 मार्क के लिए कंपलसरी हो गया उस हिसाब से। फिर 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस प्लस 3 ऑप्शनल रहेंगे, तो 30 मार्क के हो गए 2 मार्क के हिसाब से, 15 to 30। इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है भाई, 3 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के लिए। ये 5 मार्क वाले में आपको 2 क्वेश्चन देंगे और 2 ऑप्शन देंगे, ऑप्शनल देंगे, तो उसमें 10 मार्क्स, मतलब 4 क्वेश्चन रहेंगे उसमें 2 करना है आपको, तो उस हिसाब से टोटल हो गया 5 ऑप्शनल 53, मतलब 57 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 58 क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें से 53 करना है, और वैसे टोटल वो कैरी करता रहेगा 96 एज यूजुअल देखा अपन ने, और ये टोटल जो है ये 80 मार्क्स का करते हैं 53 क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी देखो फेवर पैटर्न देख लो आप जरा, ओके, दैट इज़ फाइनल या प्रीलियम्स का कैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखो फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा आपको 10 मार्क का, 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क का, ये भी ले लो आप चाहे तो स्नैप ले लो, मैं रखा हूँ 1, 2, 3। स्टेट ट्रू और फॉल्स दैट इज 10, 10, मल्टीपल चॉइस 10, 10, मल्टीपल चॉइस 2 करेक्ट आंसर, फिर से 10 क्वेश्चन, पर ये 20 मार्क का रहेगा, क्योंकि 2 करेक्ट आंसर, तो जाहिर सी बात है 2 मार्क्स, 2 आंसर करेक्ट आंसर को 2 मार्क्स तो मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर, मतलब सिर्फ 2 मार्क, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन 3 मार्क का 1 क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, वही 4 सिंगल 4 4 मार्क्स, आंसर ब्रीफली, देखो यहाँ पे Any 5 जैसा आपके बुक में होता है ना, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ यू कैन से ये क्या नाम है आपका चैप्टर में, HTML क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, या फिर जैसा साइंस में हो तो JavaScript, आपके आर्ट्स में हो तो ओपन स्ट्रीट मैप, ये वो, ये सब बहुत कुछ आपको हो सकता है। फिर HTML प्रोग्राम, तो वही सेम 2 मार्क, 2 क्वेश्चन 5 मार्क, फिर से कोई भी एक कोड करना है आपको, लिखना है अच्छे से, मेरा वो जो दिया हुआ है वो चैप्टर फर्स्ट वाला ले लो पूरा, 9 वीडियोज़ है प्लेलिस्ट में, वो अच्छे से गो थ्रू कर लो, पूरा समझ लो, और भी टाइम मिले तो मैं और एग्जांपल्स के साथ आऊँगा वैसे, इसके बाद ये पूरा पोर्शन हो गया तो अपलोड करके, ठीक है, तो उतना करो, ओके। फिर बाद में यहाँ पे प्रैक्टिकल का देखो, सेम रहेगा, 3 घंटे का प्रैक्टिकल रहेगा, और SOPs जो है आपके IT टेस्ट बुक्स के वो अच्छे से कर लियो आप, ठीक है। 2 SOP स्लिप्स दिए जाएंगे आपको, ठीक है, उसमें से आपको 1 SOP करना है, ठीक है, एक ही SOP करना है, तो SOPs के भी अच्छे से प्रैक्टिस आउट कर लो आप लोग। फिर 15 मार्क्स का रहेगा आपका वो प्रैक्टिकल, फिर एक रहेगा आपका, एक 5 मार्क के लिए क्या रहेगा कि आपका सर्टिफाइड जर्नल, ठीक है, ये टोटल 15 मार्क का, अगर कोड अच्छे से लिखा है आपने 5 मार्क, अगर अच्छे से टाइप वाइप पर प्रॉपर करके सिंटैक्स वगैरह प्रॉपर रहेगा, एरर फ्री रहेगा, तो 5 मार्क, और एग्जीक्यूट हो रहा है बिना एरर के तो 3 मार्क, प्रिंट आउट आप निकालोगे तो आउटपुट का 2 मार्क्स, तो ऐसा हो गया टोटल 20 मार्क्स स्टूडेंट।
तो एकदम सिंपल सा पैटर्न है स्टूडेंट्स, जैसे कि कॉमर्स में डिस्कस किया था, मैं अभी आर्ट्स का बता दिया आप लोग को, ठीक है। और चैप्टर्स का डोंट वरी, विल अपलोड वन बाय वन, पर थोड़ा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, तो मैं करता रहूँगा पैरेलली। ओपन शीट मैप आई एम थिंकिंग ऑफ टू स्टार्ट विथ, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन मेक हेल्प ऑफ इट। सो टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।